विश्व भर के कई देश जहां कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित है, वहीं आम जनता में भी इस बीमारी को लेकर खौफ का माहौल पैदा होना शुरू हो गया है। बीमारी को लेकर WHO की गाइडलाइन के अनुसार कहीं भी ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। ऐसे में धर्मशाला में 12 मार्च को खेले जाने वाले भारत साउथ अफ्रीका के वनडे मैच पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा सकता है। मैच देखने के लिए बाहरी राज्यों के दर्शकों का भी धर्मशाला में आगमन होगा तथा काफी भीड़ यहां जुटेगी। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए WHO की ओर से समय समय पर कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है। मैच के दौरान धर्मशाला में काफी भीड़ उमड़ती है, जिसमें विभिन्न राज्यों सहित विदेशों से लोग मैच देखने पहुंचते हैं। भारी भीड़ में इस बीमारी से ग्रस्त या संदिग्ध कोई व्यक्ति होगा तो ये बीमारी अन्य लोगों को भी लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये नई बीमारी है जिसकी अभी कोई दवाई नहीं है, बल्कि एहतियात बरतकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। ऐसा है क्योंकि नई बीमारी है, जो सरकार के स्तर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तर पर इसकी गाइडलाइन जो है ये फ्रीक्वेंटली उसमें बदलाव आ रहा है। एक अगर बड़े उसमें बात करें तो बीमारी के हिसाब से इट इज नॉट एडवाइजेबल टू हैव लार्ज गैदरिंग्स, ठीक है। पर क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में या हमारे अभी ये प्रकोप जो है, बीमारी का जो प्रकोप है वो उस स्तर पे नहीं है, ठीक है। पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है उसके मुताबिक पीपल शुड अवॉइड लार्ज गैदरिंग्स जहां पे अननोन लोग, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वो हों। बाकी ये निर्णय सरकार के स्तर पे है, इसके बारे में मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊँ। ठीक है, थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।